कुशवाहा ब्रदर्स प्रेजेंट कंठेठिमा सरस्वती मैं धरूं चरण में ध्यान अपना सेवक जान के मामोई बतइयो ज्ञान बुढ़वा देवी शारदा और करो हृदय में बास आर लाख कोस पर हम रहे मारो हमेशा पास तो द्वारिका दास गुरुदेव के और मैं धरूं चरण में ध्यान हरि गिर स्वामी मेरे सुमोए बतइयो ज्ञान तेरी रहौती ओ दास ओ मैया हे मैया बोलिए एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे बोलिए सरस्वती मैया की जय तेरी रहौरी तियो दास ओ मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया तेरी रहौरी तियो दास ओ मैया नौजवान साथी और हमारे प्यार करने के योग्य बच्चों हमारी माता और बहनों आइए लीजिए आज मैं आपके सामने विमल कैसेट के सौजन्य से और चंद्रावली लीला छल कहने को जा रहा हूं चंद्रावली का छल आशा करता हूं श्रोताओं इस मेरे प्रोग्राम को तुम अवश्य पसंद करेंगे और हमारे साथ दे रही हैं हमारी गायिका डोली रानी और म्यूजिक पर संगति कर रहे हमारे प्यारे भैया हरिओम और चिमटा बजा रहे हमारे भैया मुकेश देखिए आपके कानों में एक जूंझी हुई कथा मैं विमल कैसेट के सौजन्य से सुनाने को जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुने भैया के गामुई करी ठौर में ए ब्रसभान सुजान चंद्रा बलि उनकी सुता सो थी वो भारी गुणवान भैया आयो रिठौर गांव में एक ब्रसभान नाम के और भैया थे उनकी पुत्री का नाम चंद्राबल था बड़ी गुणवान थी और रोजाना दद बेचन जाती थी भैया हरिओम में कितना हुआ क्या है चंद्रा बलि जब चली दई जी सखियों को ले साथ
क्या बात है भैया नहार काना बैठे घेर के ये जी देखो उनकी राह इधर में भगवान सुंदर है राहा को घेर के खड़े थे गैल को के इधर इधर निकलती है वो अपने ग्वाल बाल सुधामा जैसे ग्वाल बालों को एकत्रित किया है और गैल में खड़े हो गए भैया रियो भगवान कन्हैया कहने लगे ओ चंद्रावली हाँ काहे की कहवे है काना नेक माखन खवा दे माखन हो तो है हाँ। तुम वो ज्यादा परेशान करे है मैं ना खवाए माखन मैं कबू परेशानी करूंगा देख पर लेकिन मुझे माखन खिलाना पड़ेगा मैं नहीं खिलाऊंगी माखन बिल्कुल थोड़ा सा चखा जा अब तू मेरी बात सुन ले हाँ सुना के कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो काना सुने का आ सुन रहा हूं बता ध्यान से सुनिए हां सुना कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो मेरी नई मटुकिया फोर के खाना हाल गिरा जागो कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो और गाना सुने है तू हाँ सुना मैं हूँ चंद्रावली सी गोरी चल के मोकू ले जागो मोहन मार के तिरछी नजरिया दिल के बीच समा जागो का नाम ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो मेरी नई मटुकिया फोर के काना लाल गिरा जागो कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो सुन रहा हूँ अरे चंद्रावली हाँ कोई बात ना आज मैं तेरे माखन को जरूर खाऊंगा कान्हा हाँ। तू काहे मुझे तंग कर रहा है तू मेरी बात क्यों ना सुने अरे चंद्रावल हाँ काहे की कह रहा कान्हा चाहे तू कितने भी बहाने बना ले लेकिन आज मैं बिना माखन खाए तुझे जाने नहीं दूंगा मैं माखन खा लेन दूंगी हाँ। अरे तेरी सकल ही कह रही है जे मेरे साथ सभी ग्वाल बाल आए हैं हाँ। जे सब माखन खाएंगे देखो ना खावेगो देखो कैसे खा लेगो अब मेरी सुन एक बात सुना तू सुन चंद्रावली रानी मत बोले मीठी बानी सुन रही है हाँ सुन रही हो कान खोल के सुन ले हाँ बिना माखन खाए आज तुझे मैं जाने नहीं दूंगा अरे काना तू सुन चंद्रावली रानी मत बोले मीठी बानी आज खावेंगो खावेंगो तेरा माखन गुजरिया खावेंगो 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 तेरा माखन गुजरिया खावेंगो बिल्कुल नहीं खान दूंगी माखन है आज सोच रही है
माखन के खाए आज तू मुझ पे से जा नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात और सुन ले। सुना बहाने बनाए के काए घुसट के जाने दूंगा। घरे जानो है बहाने बनाए के कहे कूं सट के बहाने बनाए तू कहे कूं सट के मागन खाने को मनो मियो भटके। और क्या भैया हरिओ फोरेंगो फोरेंगो तेरी कोरी मटुकिया फोरेंगो 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 तेरी कोरी मटुकिया फोरेंगो। काना देख मत चित मत करे यहां, तू मेरी मटकी से हाथ मत लगा। नहीं आज मेरा बहुत मन कर रहा है माखन खाने का। माखन खावे को? हाँ। तो तू माखन खा ले पर मैं मटकी से हाथ मत लगावे। चल ठीक है। और काय की कह रहा है? गेल छोड़ तू कहाँ जा रही है? और दिन तू इस रास्ता से आती थी, हाँ, आज तू दूसरे रास्ता से जा रही है। तेरे काने, तू मुझे बहुत परेशान कर। परेशान नहीं किया करूंगा, थोड़ा सा माखन रोजीना चखाइए। बिल्कुल नहीं करेगा? नहीं करूंगा। अच्छा सुन। सुना एक गल छोड़ क्यों दौड़ी जा रही माखन चखा दे क्यों मुड़े हलाए रही और गोप का सुने। मैं ना चखाए रही बिल्कुल। हाँ ध्यान रख ले बात। पकड़ेंगो पकड़ेंगो तेरी गोरी कलैया पकड़ेंगो आज खावेंगो खावेंगो तेरा माखन गुजरिया खावेंगो। क्या बात है भैया हरिओ। हमारे श्रोता बंधुओं कहते थे कि रामधन गुर्जर की धार्मिक कथा हमने नहीं सुन पाई। आइए लीजिए विमल कैसेट के माध्यम से हमारी कथा आप सुनते जाएंगे। नए नए धार्मिक प्रोग्राम साथ रहेंगे हमारे भैया हरिओम ढोलक मास्टर सुपरहिट कलाकार। आ चंद्रावली सुन। हाँ सुना कान्हा। तू सुन चंद्रावली रानी मत बोले मीठी बानी मैया। चंद्रावली से भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि मैं बिना माखन के खाए हुए जाने नहीं दूंगा। तो चंद्रावली क्या बोली? चंद्रावली कहने लगी एक काना को समझाई पत्ता लावो टोरी के सो माखन दूंगी चखाई। चंद्रावली बोली है, हे काना तुम चोरे चोरे पत्ता टोर के लाओ तुम्हें मैं माखन अवश्य खिला दूंगी। आय हाय। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, नहीं गोरी सुन
सुना। आए तनक दद दे जा। क्या बोले भैया बकी? ए तनक दद दे जा, गोरी नथ बारी तनक दद दे जा, गोरी नथ बारी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, थोड़ा सा दद दे जा। गोरी नथ बारी, हाँ गोरी नथ बारी, गोरी नथ बारी, हाँ गोरी नथ बारी, तनक दद दे जा। गोरी नथ बारी, तनक दद दे जा, गोरी नथ बारी। और क्या बोले हैं भैया हरिओ? इतने शब्द सुने हैं, चंद्रावली एकदम शर्मा गई, मुस्कुरा गई। चंद्रावली दिल में सकुचाई, चंद्रावली दिल में सकुचाई, दद की मत किया सिर से उतारी। चंद्रावली ने दद की मटकी सिर से उतार के नीचे रख ली और कहने लगी है, काना तुम वन में जाओ, चोरे चोरे पत्ता टोर के लाओ, क्या मैं हाथ में माखन थोड़ी खिलाऊंगी। दद की मटकी सिर से उतारी, भगवान कन्हैया कह रहे वो सबको उनाए जा, गोरी न तुबारी तनक दद दे जा, गोरी न तुबारी। भैया इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं कि ठीक है तू कह रही है तो मैं पत्ता तोड़ने के लिए वन में जा रहा हूं। हाँ क्या समझा रही है? मुझे समझा? मैं ये कह रही हूँ, हाँ। देख तू पत्ता तोड़ के ला, मैं यही खड़ी हूँ। अच्छा हाँ, और सुन। सुना। तू तोड़ ला चोरे पात कन्हैया कान्हा। हाँ हाँ बता गोपिका का कह रही है। चंद्रावली सुना। तू तोड़ ला चोरे पात कन्हैया काए में ददिखा। चली जाएगी, ला तेरी कसम खा रही हूँ। चल ठीक है तो मैं पत्ता तोड़ने जा रहे। भैया सुदामा हाँ, चलो पत्ता तोड़ के लाते हैं। कान्हा हाँ, करके ना जाऊं काना सो गंदे खाऊं, हंसा से कह काना माखन खवाऊं, प्यार से खवाऊंगी मैं साची रही बताए कन्हैया काए में ददी। अब तो ये हाँ कर रही है, सौगंध खाएगी, चलो पत्ता तोड़ने चलते हैं वन में। कान्हा सुना। तू चलो जाए तो ठीक है, ठीक है मैं नहीं खड़ी हूँ।
अच्छा। और सुने तू तोड़ेला चोरे पात कन्हैया काए में दधी खावे वो, तू तोड़ेला चोरे पात कन्हैया काए में दधी खावे वो। कान्हा हाँ। अब जा रहा हूँ तू कि नहीं? ठीक है, हम पत्ता लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ, हम यहीं खड़े हैं। तुझे मेरी कसम है, अगर तू यहाँ से चली गई तो तेरी कसम खा ली मैंने, अब नहीं जाऊंगी कि रुकूं। चलो भैया सुदामा। चलो भैया चलो। वन में डोले कहू से ना बोले जे मन ही मन मुस्काए रे सब ग्वाल माल और सामलिया। भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों के साथ में और वन में घूम रहे, सोच रहे कि भैया पत्ता टोरो। कन्हैया बड़े चतुर से केला के पत्ता को टोरने पहुंच गए और सब ग्वाल बाल वन में पत्ता टोरने लगे हैं। हुआ क्या भैया हरिओ? वन में टोले कहू से ना बोले दे मन ही मन मुस्काए रे सब वाल वाल और सामलिया। देखा तो कोम नहीं बात, तो ग्वालिन पागल बना के चली गई, बड़ी चाला गई। अब भगवान श्याम सुंदर कह रहे भैया सुदामा क्या बात है भैया, ये तो मामलो गड़बड़ हो गया, कितने बुरा धोखा दे के चली गई यहाँ से। पता तोरी के वापिस लाए ग्वालिन परी ना लगाई। मन में डोले कहू से ना बोले दे मन ही मन मुस्काए रे सब ग्वाल बाल और सामलिया। भगवान श्याम सुंदर वापस लौट के आए तो वहां पर कोई नहीं मिला। कहने लगे भैया सुदामा देखो कितनी धोखेबाज गोप का निकली चंद्रावली। और क्या सोच रहे भैया हरिओम भगवान कन्हैया? कृष्ण चंद्र घर को चले ए मन में गैर सियाई कली आई ओ दद बेच बेदारी देंगो मजा चखाई। भगवान श्याम सुंदर क्रोध में आ गए और सोच रहे कि ठीक है आज तो मैं घर को चल रहा हूँ, चलो भैया, पर लेकिन ये दारी कल दद बेचने के लिए आएगी जब देखूंगा ऐसे में कि कितना पागल बनाती। और एकदम से जब घर पहुंचे तो भगवान श्याम सुंदर के और एकदम मन में आई, सोचने लगी आज मैं जनाना भेष बना के और रिठौरी गांव में चलूंगा और उस चंद्रावल को छलूंगा। भगवान कन्हैया धीरे धीरे और जहां मां की सिंगार दानी धरी थी जसोदा मैया की उस कवरा में चले गए और दर्पण आगे रख लो और सिंगार कर रहे जनाना बनने के लिए। वो कैसे जनाना बन रहे भैया हरिओम? कैसे बन रही
ए काना आंख निकजला सारी। भैया हरिओ, इतने सुंदर बन गए के रूप को देख के मोहित हो गए सब। काना आंख निकजला सारी, लहंगा पैरो झल्लरदार, चुनरी ओढ़ी कारी गे, चंद्राबल को छलबे बन गए नर ते नारी गे, चंद्राबल को छलबे बन गए नर ते नारी गे। बादल के शेर सुंदर बन गए, आखिर में कजला लगा लो, होटल में राली रचा ली, दर्पण में मुंह को देख रहे मिठ मिठ के काना, और लंबी सी चोटी लटका ली। भैया हरिओम, और क्या हुआ काना, ए काना आंख निकजला सार, लहंगा पैरो झल्लर दार, चुनरी ओढ़ी कारी गे, चंद्राबल को छलबे बन गए नर ते नारी गे, चंद्राबल को छलबे बन गए नर ते नारी गे। और क्या, और का पहनो भैया आ रही हो, जाके दो कानन में कुंडल, तो जाके दो कानन में कुंडल, ऊंची एड़ी पैरे सैंडल, पैरी नाक में बारी ये, पामन पायल कमर कोननी लट गए न्यारी ये, पामन पायल कमर कोननी लट गए न्यारी ये। सोच रहे अब तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, और एक बात और सोच रहे कि सीधा अपनी माँ के पास में जाऊंगा, अगर मुझे जसोदा मैया पहचान लेगी तो मैं चंद्रावली को छलने के लिए नहीं जाऊंगा, अगर मुझे माँ ने नहीं पहचाना तो मैं चंद्रावली को अवश्य लूंगा। क्या हुआ जैन साहब जी, जाके बाल कमर पे लटके, भैया हरिओ 16 साल की बन गई, जाके बाल कमर पे लटके, कोननी करिया नीचे लटके, जाके बाल कमर पे लटके, सुंदर रूप देख मन भटके, सूरत लागे प्यारी ये, चंद्राबल को छलबे बन गए नर ते नारी ये, चंद्राबल को छलबे बन गए नर ते नारी ये। कमर हिला हिला के देख रहे, और क्या हुआ, तरे ले दो हाथन में मेहंदी, भैया आ रही हो मेहंदी रचा ले श्याम सुंदर ने, तरे ले दो हाथन में मेहंदी, माते धरी चिलकनी बेंदी, मटकी सिरप धारी ये, चंद्राबल को छलबे बन गए नर ते नारी ये, वो चंद्राबल को छलबे बन गए नर ते नारी ये।
भगवान श्याम सुंदर अपना सोलेव सिंगार बना के और मैया यशोदा के महलों की ओर चल दिए। सोच रहे अगर मुझे मेरी माँ मुझे पहचान लेगी तो मैं चंद्रावल को छलने नहीं जाऊंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, गोपिका का रूप बनाया भगवान कन्हैया ने, सिर पे मटकी धल लई गुप्ता जी, और जहां माँ यशोदा खड़ी थी वहीं पहुंच गई और कहने लगी, अरे मैया। हाँ बोल, काय की कह रही है? अरे तेरा जी काना बहुत बदमाश है। काना बदमाश है? हाँ, जब ही मैं माखन बेचने जाती हूँ देख मेरी का दशा करी है इस कनुआ ने तेरे ने। आज जाए आज अंजो जा देखूंगी मैं जाए। मेरी मटकी को फोड़ देता है और माखन को खा जाता है जी। काना बहुत परेशान करे है, बहुत तंग करे। अब मैं सुन। सुना। ए मेरी मटकी में मार गयो डेला। अरे मैया, मटकी में डेल मार गयो। मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरो श्याम बलारी लुबीला। मैया मुझे ना पहचान पा रही, अब तो मैं चंद्रावल को बस छलूंगा, मैया पे कोई पहचान नहीं है मेरी। अरे मैया सुन यशोदा। हाँ काय की कह रही है? कभी गईयों के पास, कभी ग्वालों के पास, इतना बदमाश है, कभी गईयों के पास दिखता है तो कभी ग्वालों के पास दिखता है। बछड़ों को खोल देता है क्या? और सुन मैया। हाँ। कभी गईयों के पास, कभी ग्वालों के पास, मधुबन में रह तू अकेला, तेरो श्याम बड़ा लुबेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरो श्याम बड़ा लुबेला। सितारों में रह तू अकेला, तेरो श्याम बड़ा लुबेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरो श्याम बड़ा लुबेला। श्याम सुंदर मैया पे नहीं पिछान में आए और कहने लगे, अरे मैया तेरा कन्हैया बड़ा बदमाश है माँ, देख मेरी चुंदरी फाड़ दई और मेरी मटकी फोड़ दई। हरिओम, क्या बोले हैं श्याम सुंदर? अरे मैया रीति अमान तो नाई कन्हैया, जे घेरे रोज डगरिया। मैया जसोदा बोली, अरे गोपी तू क्यों दोष लगा रही है मेरे लाला को?
मेरा तो छोटा सा बच्चा है, वो तेरी क्या डगरिया रोकेगा। 1200 है भाई, छोटा सा है। क्यों गोपी तू दो झुलगा बे, नाहक झूठी बात बनावे। और क्या बोली है, वाले हमारे छोटे भाई हैं, हमारी दुकान है बाड़ी में, बहुत अच्छी कैसेट बेचते हैं हमारी, इस कथा को लिख रहे हैं हमारे वही वकील भैया। और क्या बोली, मैया री दिया मान तो नहीं कन्हैया जे घेरे रोज डगरिया। भगवान श्याम सुंदर मन ही मन में मुस्कुरा गए और हंसने लगे। अब मैया पर मैं पिछाड़ में ना पड़ो, मैं अब चंद्रावल को अवश्य चल लूंगा। और वहां से चल दिए हैं भैया हरिओम, उसी गांव के लिए चल दे रिठौरी के लिए, के चलो आज चंद्रावल को मैं चलूंगा। हाय हाय मेरे भगवत प्रेमियों, हुआ क्या है, ए करे सोले सिंगार हरिओम, करे सोले सिंगार कजला सार के चली, सार के चली ओखियों मार के चली। क्या बात है भैया हरिओम, सही तो लीले ही न्यारी है दादा। करे सोले सिंगार कजला सार के चली, सार के चली झटका ओ झटका ओ झटका मार के चली। चम 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 बिछुआ बाजे मोह गई नर नारी। और क्या, रूप बनो है सुंदर कचिनार की गली, एक सार के चली ओ झटका ओ झटका ओ झटका मार के चली। सोले सिंगार कजला सार के चली, सार के चली झटका ओ झटका ओ झटका मार के चली। भैया इस प्रकार से तीन तीन बल खाते हुए कमरिया में श्याम सुंदर जनाने बने हैं और रिठौरी गांव की ओर चल दिए हैं मेरे भगवत प्रेमियों। आगे हुआ क्या है, और भगवान श्याम सुंदर रिठौरी गांव में पहुंच गए, चारों बगल गलियों में घूमने लगे, भ्रमण करने लगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि चंद्रावली का घर कौन सा है। अरे बहना, अरे गोपिका। हाँ काय की कह रही है बहना। अरे वो चंद्रावली कहाँ रहती है बहना? चंद्रावली? हाँ देख बहना। हाँ सीधी डगरिया चले जा।
मेरी सुन बहना, हाँ? मैं बड़ी परेशान हूँ उससे मिलने के लिए। वो मेरे मामा की है, मैं उसकी फूफी की। तो मैं बता तो रही हूँ बहना। सुनो पहले मेरी। हाँ सुनो। ए बारी सखी मोई साच बताए दे। अरे बहना, हाँ? बारी सखी मोई साच बताए दे। आए साच बताए दे कौन गली चंद्रा हबली। बहना मुझे तीन दिन हो गए भ्रमण करते करते इसी रिठौरी गांव में, लेकिन मुझे किसी ने चंद्रावली का घर तक नहीं बताया। बहना दो दिन से तो मैंने खाना नहीं खाया है। सुन रही है बहना? हाँ। अब तू ठीक जगह पे आएगी, अब मैं तुझे पता बता दूंगी बहुत अच्छी तरह। और सुन। सुना? बारियो मरिया सेरा पहगरिया। भैया हरियो, बड़े नटखट से छलिया, नखरे बाज बड़े लायकी से पूछ रहे। बहना ना वो गल बता दे कोई बात ना, का कह रहा है? बारियो मरिया सेरा पैगोरिया सेरा पैगोरिया। आए पूछ रही ये श्यामलली। भगवान श्याम सुंदर पूछने लगे तब गोपिका बता रही के बहना सुन, रोवे मत, मैं बताती हूँ तुझे। ऊंचिया दरिया लाल के वरिया। बहना देख वो सामने वो देख इधर आ मेरे पास, देख वो दिस रही है सामने, ऊंची सी अटारी है उसके लाल किवार है, बस वही चंद्रावली का घर है। अरे मुका भाव ऊंचिया दरिया लाल के वरिया। हाय दही बिलो चंद्रावली। श्याम सुंदर कहने लगे, अरे बहना मोए रास्ता बता दे सो गोप का। करी बहना सीधी चली जा, वो लाल कुबरिया दिख रही है और सामने वो लाल चुनरिया ओढ़ के और वो दही बिलो रही है, वो ही चंद्रावली। बहना? हाँ बहना। वो सामने दिख रही है वो ही है ना? हाँ वो दही बिलो रही है वो ही है, लाल चुनरिया ओढ़ के। अच्छा अब सुन मेरी बात सुन। हाँ। ऊंचिया डरिया लाल किवरिया, ऊंचिया डरिया लाल किवरिया, चंद्रावली मुस्काए रही है, मुस्काए रही है, नाद में रही चलाए रही है, नाद में रही चलाए रही है। चंद्रावली
सामने रही चला रही है वो ही है ना? हाँ, रही चला रही है, मैं चली जा तू। ठीक है। हाँ। मैं जा रही हूँ। अरे सुन गोपी की बात, चले गिरधारी पहुंचे अटा पे जाए तुरत बनु बारी। चंद्रावली थी और कहने लगी, अरे बहना किवाड़ को खोल, मैं तेरी फूफी की हूँ, तू मेरे मामा की है, मुझे भूल गई। अरे आ रही हूँ भाई। जल्दी से खोल दे किवाड़। ए ले आ जा बहन, मिल ले। ओ तू तो कैसी बहन जनानी, तेरी चाल लगे मर्दानी। बहना, हाँ बहना, मेरी चाल मर्दानी इसलिए हो गई है सुन। कैसे है गई? साथी हाल बता दो बहना, सुन ले बहना मेरी। अच्छा सुने, सुना। साथी हाल बता रही बहना, सुन ले बहना मेरी, मेरे बाप के गाय बहुत है, सौ दिन हुए न घेरी। मेरे बाप के गाय बहुत है, सो मैं गैया चराती हूँ, तो गैया चरा चरा के मेरी चाल मर्दानी है गैया। अच्छा हाँ, और काय की कह रही? मेरी चाल भैया मर्दानी, तू कैसी है बहन जनानी। श्याम सुंदर मुस्काने लगे हैं कि इसको मालूम नहीं चल जाए। आज चंद्रावली कहने लगी कि बहन मुझसे भुजा पसार के मिल ले। श्याम सुंदर कहने लगे, मेरी छाती भाती मोटी, इतना पता तो परगो खैर इसको। क्या बोली चंद्रावली? क्या बोली? का करी भैया हरिओम। ए चंद्रावली जब कहने लगी, सुन ले बहन हमारी है, भुजा पसार मिली चंद्रावली बोली तब दिल उतारिए। अरे बहना। हाँ बहना। ये तेरे छाती पाती तो कचुनाने जी जी। छाती पाती? तू कह रही कि मैं जनानी हूँ? जनानी हूँ मैं। सोने सुना नहीं बहना। हाँ। आज श्याम सुंदर क्या बोले? एकदम मुस्का गए के मालूम चली है उसको का कह रहे के। बहना तू छाती फाती की मत पूछ, मैं सुन। छाती की मत मोते पूछे, देख बिगड़ी दशा हमारी है, बालापनों में ब्याह भयो में पांच बच्चन की में तारी है। कहने लगी बहना मेरा बालापन में शादी है गी, मैं पांच बच्चन की मैया हूँ। पांच बच्चन की? हाँ। अब करती ना स्नान तो
अरे सुन ले बहन मेरी बात, मैं ना कर रही सुनान बिल्कुल। भोजन बनाऊं प्रेम से सोहिल मिल खावे साथ। ठीक है, तू स्नान भी नहीं कर रही है? हाँ ना कर रही मैं। क्यों नहीं कर रही है? मैं ना कर रही, मैं करके आई हूँ घर से। अच्छा हाँ, तो ठीक है, हम भोजन बना रही हूँ तेरे लिए और भोजन खा के जाना। हाँ। ए चंद्रावल मन स्याई रही हर साई कर रही आधर के, बहुत दिना में आई रे खवांगोई मानो भर के। चंद्रावली कह रही हरिओम, बहना बहुत दिना में आई है, मैं आज मन भर के खवाऊंगी। तो मन भर के खवाऊंगी आज। भैया भोजन बना के चंद्रावली ने तैयार कर दे और कहने लगी आजा बहना भोजन पालो। आज मेरे श्रोता हुआ क्या भैया, हरिओम और का पकवान बनाए? अरे बढ़िया सी खीर बनाई, बढ़िया सी खीर बनाई। जैन साहब हमारे हरिओम भैया को मन कर रो खावे को ऐसे पकवान बनाए। सुन नहीं है बहन, मैंने खीर कचौड़ी समोसा सब बनाए। अच्छा हाँ। ओ बढ़िया सी खीर बनाई, जामे कईयो करिए मिठाई। ओ श्यामा सखी, हाँ आजा भोजन पा ले, चले आ रही हूँ, आजा चल। ए चंद्रावली बोली बेनु बहन भोजन कर ले। चंद्रावल ले गई बोली हंस के बात, अब के साथ बता दे बेना कैसे पकड़ तेरे हाथ। धीरा योर में धर ले चंद्रावल बोली बेन बहनी भोजन कर ले। आज चंद्रावली भोजन कराने ले गई, कहने लगी बहना तेरे कर्रे कर्रे कैसे हाथ हैं? जवाब दो बहना, मैंने चकिया पीसी इसलिए पर गई। और जब इस भी बात में नहीं आई चक्कर में, सोच रही चंद्रावली अब एक काम और करूं, इससे बोलूं मेरे साथ सो ले। आज एक पलका बिछाओ भैया और कहने लगी अगर चल सहेली सोएंगे दोनों। क्या बोली, आजा श्याम सखी संग सोले खटिया बिछिए दरिया में, आजा श्याम सखी संग सोले खटिया बिछिए दरिया में। कोई अपने बगल में सोऊंगी पूरी रात में तोते बतराऊंगी। सुन बहन, गर्मी लगे चुनरिया में, आजा श्याम सखी संग सोले खटिया पिछिए दरिया में। मोना गर्मी लग रही बिल्कुल, उना में उबारी आ रही। आज इस प्रकार से कहने लगी बहना मेरे पास में सोले, जैसे ही चुनर सरकाई
हाय हाय भैया हुआ क्या है, कमर पे मुरली लगी हुई नजर आई चंद्रावली के, कहने लगी ओ छलिया मुझे मालूम नहीं था कि तू छलिया बन के आया है, पहचान ले भगवान कन्हैया। और क्या बोली, अरे सुन कनुआ से तान आज मैं गोकुल जाऊंगी, मुझे मालूम नहीं था कि तू छलिया बन के आया है। और का बोली चंद्रावली, अरे जनानो भेष बनायो है, देख जनाने भेष बनाया है, जनानो भेष बनायो है, अरे छलिया धोके बाज के छलबे मुकुमायो है, जमके का कह रही, अरे करी तन ऐसी शैतानी बन के मेरी बहन खाई गयो जमके मेहमानी, मेरी भूपी की छोरी बन के जमके मेहमानी खा गो काना। अरे क्या बोली, आज रस्सी ते बंधवाऊंगी बाबा नंद और माता जसोदा को हाल सुनाऊंगी, चंद्रावली कहने लगी आज मैं तेरी मार बाप से कह के आऊंगी। और क्या बोली, अरे तू कैसे आयो महल जनाने में, बन के जनानो महल नी आयो, मात यशोदा को दूध ले जायो, भगवत प्रेमियों हमारी चंद्रावल कथा यहीं समाप्त होती है। जो हमारे संगीतकार हैं हमारे भैया उनके नाम सुनिएगा, ए लीला संपूर्ण भैया हमारी पंचा सुन ले ध्यानो लगाई, राम धनकुर जर त्यारे गायक तुमको लीला बेरे से सुनाई, हरिओम भैया में जीवन साथी मधुरी ढोल।